And along with that, let's say, नहीं जा रही हूँ, मैं इधर ही हूँ, डोंट वरी। ओके,
थैंक यू सर, आपका आवाज इज वेरी हेल्पफुल, थैंक यू जी जी जी. ध्यान से ये गिरने वाला हाँ जी. क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये मुंबई का ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि बच्चों का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है जी. आप यहाँ पे बिल्कुल सही कहा आपने. एक्चुअली मैं अभी ही सुमित्रा जी ने मुझे इनके निक्यू पे लेके गई थी, वहाँ पे उसका फुल फॉर्म सुमित्रा जी बताएगी. न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जो एशिया का सबसे बड़ा यूनिट है. तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत फख्र की बात है हमारे लिए. और ये जो इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया है आर्ट फॉर द हार्ट, इनका पहला साल है जहाँ आर्ट के ज़रिए वो फंड्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि बच्चों का हार्ट सर्जरी हो. ऐसे एक फीलिंग था, सुमित्रा मैम मुझे बता रही थी कि हार्ट पेशेंट्स को लेकर कुछ अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है. अगर हम अवेयरनेस बढ़ाए तो द पेरेंट्स कैन यू नो डिटेक्ट दैट मे बी द चाइल्ड हैज़ अ हार्ट प्रॉब्लम और बहुत अर्ली स्टेजेस पे बता सकते हैं. इसी वजह से हमने इन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और मैंने आके उनको सपोर्ट किया है. आज गांधी जयंती पे है तो बहुत ही शुभ दिन है एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव एंड आई एम वेरी हैप्पी टू कम एंड सपोर्ट हर. सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है, नरेंद्र मोदी जी. बहुत अच्छी बात है. नहीं, बच्चों से मैं मिलके आई हूँ, कुछ बच्चे ऊपर थे. ऑनेस्टली इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग साइट टू सी, मैं यही कहूँगी. अभी भी जब बच्चे यहाँ पे आ रहे थे मुझे ऐसे नर्वसनेस हो रहा था कि उनको क्राउड देखे, यू नो दे शुडंट फील ओवरवेल्म्ड. इसलिए मैं बोल रही थी कि मैं उनसे बाद में मिलूँगी, उनको अंदर भेजिए. बट आई थिंक मुझे पहले बताया गया था कि बच्चे के जो दिमाग में पॉजिटिविटी होती है ना वो बड़ों के दिमाग में नहीं होती, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता है. दे डोंट नो हाउ बैड द सिचुएशन इज, तो वो नेगेटिव नहीं सोचते, इसलिए उनका इलाज आई वुड से फास्ट होता है. एंड विद डॉक्टर्स लाइक सुमित्रा मैम एंड यू नो उनकी पूरी जो कार्डियोलॉजी टीम है, द गुड वर्क दैट दे आर डूइंग हेल्पिंग पीपल एट यू नो एट द रिड्यूस्ड फंड, समटाइम्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट. This is what we need to kind of इसको बढ़ावा देना चाहिए so that people understand that you know things like this also require funds. सुमित्रा जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो आलिया जी यहाँ पे present हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी, कितना privilege moment है आपके लिए and क्योंकि अभी आलिया like absolutely I think I'm very very happy that a person like of Alia Bhatt's caliber has come here to support this cause. जैसे बता रहे थे कि कैंसर बहुत फंडिंग हो चुका है, न्यूअर डिजीज़ और बहुत सारे नए आ रहे हैं, बच्चों में भी आ रहे हैं. वी हैव टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड वी कैन थिंक ऑफ अ नेक्स्ट जनरेशन एक्ट्रेस एज गुड एज ब्रिलियंट एज आलिया बट टू हेल्प अस इन दिस एंडेवर. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू आलिया फॉर मेकिंग ऑल ऑफ यू हैप्पी टू. आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ ब्रांड एंबेसडर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा सामने सामने.